यस स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 टेंथ मैथ्स में से कर रहे हैं। फिर हम इसकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी करेंगे, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ये हम एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप लोग हमारी यूट्यूब देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। देखिए होता क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चंस की आपकी वीडियोस डालते हैं तो आप तो चेक कर लेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, साइन 18 कॉस 72 टेन 26 कॉस 64 कॉस 48 साइन 42 कॉस 31 sec 59। मैं एक एक करके इनको क्वेश्चन को कर रहा हूँ, आप लोग चेक करिएगा। जैसा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट पार्ट आपसे दिया हुआ है बेटे। आपसे क्या कह रहा है, साइन 18 अपॉन कॉस 72। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, आपके पास क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। एक तो ये कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में किसका रिलेशन किसके साथ है। हमने अभी जो फॉर्मूले डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में, आप लोग चेक कर सकते हैं कि साइन का रिलेशन है कॉस के साथ इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो एंगल्स जिनका सम 90 होता है। 90 माइनस थीटा और थीटा का सम 90 हुआ, तो साइन का रिलेशन बेटे कॉस के साथ होता है, टेन का रिलेशन कॉट के साथ होता है, कॉसक का रिलेशन सेक के साथ होता है। तो पहली बात तो ये है कि आपको ऐसे ही पेयर्स देगा, साइन को किसके साथ देगा, कॉस के साथ। दूसरा आपको ये देगा कि इनका एंगल का सम 90 होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो साइन 18 और कॉस 72 की। तो आपने क्या चेक किया बेटे कि क्या इनका सम 90 है, 80 और 72। अब हमें करना क्या होता है कि आपको एक वैल्यू चेंज करनी है, चाहे तो आप 18 को चेंज करें। 18 को आप कैसे चेंज कर सकते हैं बेटे, 18 को आप चेंज कर सकते हैं 90 माइनस 72, या आपकी मर्ज़ी आप 72 को चेंज कर दीजिए। 72 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 18। और ये भी अच्छी बात है कि अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो 90 में से ये माइनस करना होगा, और अगर 18 को चेंज करना है 90 में से 72 को माइनस, मतलब हमें मालूम भी होगा कि हमें करना क्या है। तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन करना एक को चेंज है। मैं दोनों को करके दिखा रहा हूँ कि अगर साइन को चेंज करें तो क्या होगा और कॉस को चेंज करें तो क्या होगा। तो आपको सिर्फ नेक्स्ट स्टेप ऐसे लिखना था बेटे, साइन सपोज़ करो हम 18 को चेंज कर रहे हैं तो 18 को हम ऐसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमने 18 को क्या लिखा बेटे, 90 माइनस 72। प्लीज़ ध्यान रखेंगे बेटे कि अब आप नीचे वाली टर्म को चेंज नहीं करेंगे, कॉस को एज इट इज़ लेंगे, हमने एक को चेंज करना है जी। अब आपके पास क्या फार्मूला है, आपके पास फार्मूला है बेटे साइन 90 माइनस थीटा चेंज इन कॉस थीटा। तो ये हम फार्मूला यहाँ लगा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा बेटे, साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा बेटे कॉस थीटा में, बट ध्यान रखिए बेटे थीटा ये है, साइन 90 माइनस थीटा चेंज इन कॉस थीटा, थीटा एज इट इज़ रहेगा बेटे। अक्सर हम क्या कर देते हैं, माइनस भी कर देते हैं, मतलब 90 माइनस 72 इज़ कॉस 18, वो गलत हो जाएगा। तो साइन चेंज हो जाएगा बेटे कॉस में, तो हमारे पास हो गया कॉस 72 अपॉन क्या आ गया बेटे, कॉस 72 ऑलरेडी है हम पास, तो कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ गया बेटे, 1। चेक करिए बेटे, अगर मैं आपसे कहता कि नहीं अभी आपने साइन को चेंज किया, कॉस को चेंज करिए, हमारे पास है क्या बेटे, साइन 18 अपॉन कॉस 72। हम क्या करें बेटे, इस बार हम 72 को चेंज करें, 72 को आप कैसे चेंज कर सकते बेटे, 90 माइनस 18, तो साइन 18 ऐसे ही रखिए बेटे, और कॉस 72 को बेटे 90 माइनस 18 लिख दीजिए। लिख सकते हैं आप, अगर आप बेटे कॉस को लिखेंगे तो आपको मालूम है कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है बेटे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटे, साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा। तो आप कॉस 90 माइनस 18 को साइन 18 लिख सकते हैं, तो आपके पास ऊपर भी साइन 18 है और नीचे भी आपके पास साइन 18, तो कैंसिल हो जाएगा बेटे, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मर्जी आपकी बेटे, चाहे आप, मैंने आपसे क्या कहा, आपको दो चीज़ें चेक करनी है, तो क्या वैसे ही पेयरिंग चेक करना है कि आपको किसका सम 90 हो रहा है, तो जिनका सम 90 हो रहा है उनमें से एक को चेंज कर दीजिए, एक को बस पेयर में से, आइदर चेंज साइन और चेंज कॉस। तो अगर आपने साइन को चेंज किया 18 को आपने 90 माइनस, साइन 90 माइनस थीटा चेंज इन कॉस थीटा, तो ये आपका चेंज हो जाएगा कॉस में, सो कॉस अपॉन कॉस इज 1। और अगर आपने इसको चेंज किया है कॉस को, तो कॉस को क्या लिखेंगे आप, 72 को 90 माइनस 18, नाउ कॉस 90 माइनस थीटा इज़
साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बेटे साइन थीटा कैंसिल। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखिए ज़रा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी में। जैसे हमारे पास क्या था बेटे, क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड पार्ट है, बस क्वेश्चन नंबर वन का बेटे थर्ड पार्ट हमारे पास है। हमसे क्या कह रहा है बेटे, कॉस 48 माइनस साइन 42, ये हमारे पास। अगेन बेटे आपको चेक करना है 48 और 42 का सम 90 होता है ना। 48 प्लस 42 इसका सम कितना होता है बेटे, 90। एक को चेंज करिए, अगर आप 48 को चेंज करना चाहते हैं तो आप 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, और अगर आप 42 को चेंज करना चाहते हैं तो आप 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। तो एक को चेंज कर दीजिए, सपोज करूँ 48 को चेंज करें, तो 48 को हम लिख रहे हैं 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। अब आप चेक करिए बेटे ये फार्मूला क्या बना, ये फार्मूला बना है बेटे कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटे, साइन थीटा होता है। कॉस हमेशा चेंज होगा बेटे साइन में, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूले हैं बेटे, साइन 90 माइनस थीटा चेंज इन कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा चेंज साइन थीटा। दो तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन में, तो ये कॉस 90 माइनस 42 बेटे साइन 42 हो जाएगा, और ये भी साइन 42 होगा। तो साइन 42 माइनस साइन 42 तो ज़ीरो हो जाएगा, ये। तो आपके पास इस तरह से क्वेश्चंस हैं कि अगर आपके पास रेशोज़ गिवन हैं जिनका सम 90 है तो आप उनमें से किसी एक को चेंज करेंगे। तो ये था हमारे बेटे क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट जो है वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं। वेरी गुड बेटे।